सकते हैं आदमपुर का नागरिक अस्पताल है, जिला अस्पताल है ये आदमपुर का, और हालात क्या है यहाँ के ये आपके सामने है। सड़क आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालत है सड़क की और आदमपुर की। मेन गेट के सामने है, जो कि डिलीवरी वाला पेशेंट आता है, कोई डेड बॉडी वाला पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है, कितनी तकलीफ होती है, कई बार तो डिलीवरी गाड़ी में हो जाती है। की बार फिर विधानसभा उपचुनाव है आदमपुर में, वोट देंगे इसलिए आवाज उठाएंगे। परिवार किसके साथ है? पिछली बार किसको वोट दिया? परिवार कुलदीप बिश्नोई के साथ है। लाल जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, जो परमानेंट वोटर है उनके है, प्लस अभी बीजेपी में आ गया तो बीजेपी के जो पक्के वोट है वो नहीं टूटेंगे एक भी। जो पिछली बार के वोट है वो तो आएंगे आएंगे बीजेपी वाले, प्लस इसके हो जाएंगे। किसके वोटर? अब बीजेपी के। जो मान लो काम करेगा बढ़िया तरीके से करेगा वो होता आदमी, ये तो दल बदलू बन गया। मेरे हिसाब से तो जब भी अगर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस में 100% जीत है। आपको लगता है कि भव्य कर पाएंगे करिश्मा, एक बार यहाँ से निकाल पाएंगे सीट? करिश्मा की कौन सी बात, ये तो उनका मतलब हो गया ना, पुरानी सीट है उसके कारण है एक बंदे हुए वोट इनके। जिला ने वोट देना चाहिए किसने खड़ा करते थे, चाहे कुलदीप ने करो, बिश्नोई ने करो, क्यों ऐसा भजन लाल ने क्या किया है? भजन लाल ने तो जो मनगी फिल्म क्या रही है। दादाजी के नाम से अगर वोट की बात करें तो जीतना नहीं चाहिए। नहीं जी, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके सामने है जी हाल, ये हालत तो बहुत खराब है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आदमपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और पंजाब केसरी भी आज से अपने दर्शकों के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया है, कौन जीतेगा आदमपुर, आदमपुर का रण कौन जीतेगा, यहां से कौन विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचेगा, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आदमपुर शहर में इस समय खड़े हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे आदमपुर के वो तमाम 57 जो गांव हैं वहां भी जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार लोग किसको विधानसभा भेजेंगे। कुलदीप बिश्नोई भजन लाल परिवार का गढ़ है ये माना जाता है, यहां से उन्हीं का परिवार पिछले 50 सालों से जीतता आया है। 1968 से जब से भजन लाल ने यहाँ पर राजनीति में कदम रखा तब से वो लगातार जीतते आए और फिर अब लेटेस्ट में कुलदीप बिश्नोई थे, और कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा में जा चुके हैं और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। ये आप देख सकते हैं आदमपुर का नागरिक अस्पताल है, जिला अस्पताल है ये आदमपुर का, और हालात क्या है यहाँ के ये आपके सामने है। सड़क आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालत है सड़क की, और आदमपुर की जो नागरिक अस्पताल सिविल अस्पताल जहां पर लोगों का लगातार आना जाना होता है, वहां की सड़क की हालत आप देख रहे हैं, पानी मिट्टी मलबा बड़े बड़े पत्थरों से इस सड़क के गड्ढों को ढका गया है। और ये तो सिर्फ वो हालत है जो एक जगह आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसी हालत ही तमाम पूरे इलाके में पूरे आदमपुर में देखने को मिलती है, सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि दावे जरूर अब किए जाते हैं बड़े बड़े कि सड़कें ठीक की जाएंगी, लेकिन कुछ लोग यहां पर हैं जो यहां से रोज गुजरते हैं, जिनका अस्पताल में आना जाना होता है, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं उनको आती हैं। और कुलदीप बिश्नोई यहां से लगातार विधायक रहे और वो हल नहीं करवा पाए, अब किसकी तरफ देखते हैं जब चुनाव सिर पर है। क्या नाम है जी आपका? सुखदेव। कहां से आप? अग्रोहा से। अग्रोहा से, तो आपका आप ही का विधानसभा क्षेत्र है। हाँ जी, ये हालत बड़ी बुरी है, सिविल अस्पताल यहाँ है और शहर में थोड़ी सी बारिश होती है तो कई कई घंटों तक पानी भर जाता है। कुलदीप बिश्नोई ने कुछ करवाया नहीं विधायक रहते हुए? कुलदीप जी तो करवा रहे हैं, लेकिन और भी बाकी लोग कोई इसकी आवाज ही कोई उठाने लग रही है। मतलब मेन गेट के सामने है, जो कि डिलीवरी वाला पेशेंट आता है, कोई डेड बॉडी वाला पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है, कितनी तकलीफ होती है, कई बार तो डिलीवरी गाड़ी में हो जाती है इसी सड़क टूटी होने के कारण। और भी तकलीफें हैं, मतलब कई बार मतलब जो ये आंखड़ी की वजह से ही सड़क टूटी होने के कारण ही, तो तभी तो मैं बता रहा हूँ। मगर देखो कितना कब से टूटी है ये सड़क, क्या मानते हैं कि कितने साल हो चुके हैं या महीने हो चुके हैं? इसको 8 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, 8 महीने से ऐसी है। उससे पहले मैं इस रस्ते आया नहीं, मैं उस रस्ते जाता था। अभी ये आप आदमपुर के वोटर हैं? नहीं नहीं, वोटर तो मेरा वही है अग्रोहा में, लेकिन मेरा इधर रिश्तेदारी है तो मैं इसी रस्ते जाता हूँ। आपके रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, आप उनके आते जाते हैं? बिल्कुल सर। अब की बार फिर विधानसभा उपचुनाव है आदमपुर में, वोट देंगे इसलिए आवाज उठाएंगे। परिवार किसके साथ है? पिछली बार किसको वोट दिया था? परिवार कुलदीप बिश्नोई के साथ है। कुलदीप बिश्नोई के साथ है। अब की बार कौन जीतेगा क्या लगता है?
जितने से देखो जी, पब्लिक है, पब्लिक का देखो क्या पता लगे। बाकी तो हम यही कहते हैं भी अब सरकार के अंदर हाथ है, अब की बार कुलदीप जी को मौका देना चाहिए, इस मौका से जनता को नहीं चुकना चाहिए। तो कुलदीप तो पहले भी 3 बार लगातार थे, लगातार आए तो सरकारें तो नहीं उसमें बन नहीं पाए ना, अब की बार तो सरकार का पूरा दबदबा है। मैं तो यही कहूंगा, मेरा मानना भी है भाई, अब की बार जो इस आदमपुर क्षेत्र के हल्के के लोग हैं वो प्रॉपर चैनल से आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र को उतारा है, लगता है कि वो कुछ यहाँ से वोट ले जा पाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये है कि जगह जगह उन्होंने हर चीजें फ्री कर रखी है, मेरे को लगता नहीं कि इससे मतलब कि लोगों की एक तो आत्मा अंदर से मर चुकी है, हर चीज मतलब 24 घंटे फ्री का खाने की। लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है, अब वो कह तो रहे हैं पढ़ाई फ्री देंगे, लेकिन स्कूलों में तो टीचर नहीं है उनके। तो दिल्ली मॉडल को नहीं देखते आप? दिल्ली मैं देखो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज देखता हूँ, उसमें हर जगह वही भागा दौड़ी रहती है, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे सफाई नहीं। चलिए, और भी लोग यहाँ पर जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी डिमांड है, और अगली बार अगर चुनाव जैसे अब हो ही रहा है, 3 तारीख को वोटिंग होगी, तो वो क्या सोच करके वोट डालेंगे। अब की बार तो भजनलाल की तीसरी पीढ़ी चुनाव में है, आप लोग यहीं के वोटर हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, हालात क्या हैं? ये सब सामने है, जगजाहिर है, दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद बिश्नोई परिवार लगातार जीतता है। जीतेगा जी, इस बार भी जीतेगा, अब की बार भी जीतेगा। क्या कारण मानते हैं कि काम ना होने के बावजूद लोग, आप लोग बिश्नोई परिवार को ही क्यों जीतवा? इस तरह है कि पहले का बिश्नोई भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम कर रखे, जो परमानेंट वोटर है उनके है, प्लस अभी बीजेपी में आ गया तो बीजेपी के जो पक्के वोट है वो नहीं टूटेंगे एक भी, जो पिछली बार के वोट है वो तो आएंगे बीजेपी वाले, प्लस इसके हो जाएंगे। आप किसके वोटर हैं? अब बीजेपी के। आप बीजेपी के वोटर हैं? हाँ जी। तो पिछली बार सोनाली थी यहाँ से 19 में, उसी को वोट दिया था, अब की बार सोनाली नहीं है, चाहे कोई उम्मीदवार हो बीजेपी का उसके लिए वोट देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो भाजपा का बाकी जो वोटर है या जो सोनाली के समर्थक हैं वो कुलदीप को एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे जी, पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जाट बेल्ट है वो कौन करे? क्या कह रहे हो आप? जाट बेल्ट है नहीं, हाँ। वो नहीं करेगा। हाँ। अगर जाट बेल्ट है ना, वो कुलदीप को वोट नहीं करेगा। कौन कौन करेगा फिर? दूसरा कौन सा है? बिश्नोई करेगा, नॉन जाट करेगा? कोई नहीं करेगा, कुलदीप को वोट करेगा नहीं। हाँ। आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं कांग्रेस से हूँ। कांग्रेस से? जब से आज मेरी 37 साल उम्र है, और मैं 18 साल का था, मान लो मैंने 3-4-5 बार मैंने मतदान कर दिया, मैं कांग्रेस से समर्थक हूँ। और जिस टाइम कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में था, उस टाइम मैं कांग्रेस में था, तो मैंने कांग्रेस ही नहीं छोड़ी। पार्टी पार्टी से हैं आप, व्यक्ति से नहीं? मैं पार्टी से हूँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से थे, उस टाइम बिश्नोई परिवार जो चौधरी भजनलाल थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, उनके पीछे जुड़े थे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, हमने नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही है। तो कांग्रेस तो इस समय कांग्रेस में लोग छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं, कांग्रेस की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, कुलदीप बिश्नोई भी छोड़ गए और यहाँ के और भी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भी आ रहे हैं लोग। आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्यों छोड़ी कांग्रेस? कुलदीप बिश्नोई कहता है भाई मैं मुख्यमंत्री, नहीं ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। जो मान लो काम करेगा बढ़िया तरीके से करेगा वो होता आदमी, ये तो दल बदलू बन गया, कभी कांग्रेस। तो कभी आदमपुर की जनता अब की बार सपोर्ट करेगी, वोट करेगी कुलदीप बिश्नोई को, उनके बेटे तो नहीं करेगी? अब तो भव्य को टिकट दे दी है, कुछ भी तो हो भव्य ठीक है? नहीं कुछ नहीं है, कुलदीप जीरो है तो वो तो उससे नीचे है फिर, वो तो उसका मान लो खून है। कांग्रेस ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया, किसको उतारना चाहिए आपके हिसाब से? नाम सबसे आगे जेपी का चल रहा है, सबसे आगे जेपी का चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो जेपी 6,000 वोटों से जिस टाइम में आज का पार्टी का चुनाव लड़ा था ना कुलदीप बिश्नोई ने, उस टाइम में जेपी बिश्नोई वो जेपी अपना जयप्रकाश, हाँ 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 हाँ, उस टाइम 6,000 वोटों से हरा था,
मेरे हिसाब से तो जेपी अगर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस में 100% जीत है, अगर जेपी लड़ेगा तो। हाँ, अगर कोई और व्यक्ति आता है तो नहीं, बेनीवाल भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन? प्रदीप बेनीवाल का भी नाम चल रहा था। प्रदीप बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अच्छा। क्यों? वो एक परिवार से है और एक परिवार से हो ना, खून वास्तव में ही खून होता ना, वो खून होता है, अदर होता है ना वो, उसका वो कुछ नहीं होता। प्रदीप नहीं लड़ेगा चुनाव। तो आपका कहना है कि अगर जेपी को टिकट मिलती है तो ये वो चुनाव जीत सकते हैं, और दूसरा कोई उम्मीदवार आता है तो मुश्किल? नहीं, मुश्किल भी नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मुश्किल भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो इनका दावा है कि जेपी चुनाव लड़ते हैं तो 100% जीत तय है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो वो किस मार्जिन से जीत दर्ज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा, ये जरूर आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इस पार्क में हम चलेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ महिलाएं हैं। आंटी, आप मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब उपचुनाव फिर से अब एक बार आ चुका है और यहाँ की सिविल अस्पताल की हालत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को गुजर के अस्पताल में जाना पड़ता है, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये भैया, ये पानी की दिक्कत है, यहाँ पर सड़क सारी टूटी पड़ी है और पानी की परेशानी है। तो कब से है ये हालात ऐसे? दो साल हो गए इसका ऐसा ही है। तो आप लोगों ने कभी कुलदीप बिश्नोई से या किसी से बात नहीं की कि इसको ठीक करवाए, हल करवाए? ये तो ये भाई साहब ही करता है, जनानियां तो कोई नहीं करे। जो रेणुका बिश्नोई से नहीं मिले? नहीं जी नहीं। अब की बार क्या लगता है, भव्य बिश्नोई को टिकट मिली है भाजपा की तरफ से, आपको लगता है कि कुछ? भजनलाल जी ने खूब अच्छा काम करवाया है, अब इसका भव्य का तो पता नहीं, नहीं भजनलाल जी ने अच्छा काम करवाया। तो परिवार, आप लोग वोटर हैं यहाँ के, आप किसको वोट करेंगे? हम तो उसको ही करेंगे, भव्य को वोट करेंगे। चलिए देखिए, भव्य बिश्नोई को ही वोट करेंगे, इनका तो ये कहना है, लेकिन कितने लोग भव्य के पक्ष में वोट कर पाते हैं, क्या रहेगा जब चुनाव में लोग उतरेंगे, जब 3 तारीख को वोटिंग होगी, 6 को उसके नतीजे आ जाएंगे, तो ये जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार किसको लोगों ने पसंद किया, किसे वोट किया और कौन विधानसभा में पहुंचेगा। वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, या वो भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई होंगे, इसका फैसला जनता पर छोड़ा गया है और 3 तारीख को जनता ईवीएम में ये लॉक कर देगी कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति विधानसभा पहुंचेगा, और 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार किसको लोगों ने वोट दिया है। कुछ लोग और भी आ रहे हैं, आपसे अगर बात करें, चुनाव की घोषणा हुई है, उपचुनाव होना है यहाँ पे, भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, आपको लगता है कि भव्य कर पाएंगे करिश्मा एक बार यहाँ से निकाल पाएंगे सीट? करिश्मा की कौन सी बात, ये तो उनका मतलब हो गया ना, पुरानी सीट उसके कारण है, एक बंदे हुए वोट इनके तो उसके कारण है, वैसे लोग नाराज। करिश्मा भाजपा के तौर पर, क्योंकि भाजपा का कमल नहीं खिला यहाँ पर कभी, यहाँ कमल की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इसलिए होगी कि रूलिंग पार्टी कैंडिडेट है, लोग कई सालों से जो सरकार में हाथ नहीं था इसलिए वोट देंगे, और कोई नाराज दूसरा कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। भजनलाल परिवार से है, इसका भी फायदा मिलेगा, भजनलाल से है, परंपरागत वोट है थोड़े इसके। और आप किसके वोटर हैं? आपने 2019 में किसको वोट किया था? मैंने तो बीजेपी को दिया था। आपने सोनाली फोगाट को वोट किया था और अब की बार भी बीजेपी को ही? बार नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे, किसको वोट देंगे अब की बार? देखेंगे। तो ये मन बदलने का कारण क्या है? नहीं, बीजेपी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं किया 8 साल में। तो लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दे बहुत है, बेरोजगारी महंगाई नहीं, बहुत मुद्दे है। क्या कोई दो मुद्दे बताइए? मुद्दे क्या बताएं, हर चीज, सीवरेज, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की हालत भी दिखाई पड़ रही है। हाँ, दिख रही है, और क्या है, क्रांति चौक तक पानी डूबने वाली है। ये 8 साल में एक ईंट नहीं लगाई बीजेपी ने, कुछ नहीं किया। तो अब तो कह रहे हैं कुलदीप की अब सरकार में आने का समय आया है और आप साथ दीजिए। साथ बहुत दे लिया लोगों ने, देख लिया कितने साल की। तो देखिए, लोगों का कुछ गुस्सा भी है, कुछ नाराजगी भी है, कहते हैं कि 2019 में वोट दिया था लेकिन ना उनके काम हुए हैं, और बीजेपी से नाराजगी जताई है कि सरकार में 8 साल में कुछ भी ऐसे काम नहीं हुए कि उनको वोट किया जा सके। एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और मतदान में जब वो जाएंगे तो किसको वोट करेंगे।
अंकल आप भी यहाँ के वोटर हैं, समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर। सिविल अस्पताल के बाहर की हालत हम देख रहे हैं और थोड़ी सी बारिश में ही जल थल हो जाता है, सीवरेज की समस्या है। क्या लगता है कि इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे यहाँ के लोग या सिर्फ वही भजनलाल के परिवार है इसलिए? भजनलाल के परिवार के साधन से वोट तो भजनलाल के परिवार से जाएगा। ये चुनाव जितवाने का होगा भव्य को या हरवाने का? भजनलाल ने वोट देना चाहिए, किसने खड़ा कर दिया चाहिए, चाहे कुलदीप ने करो, विष्णु ने करो, ऐसा क्यों? ऐसा भजनलाल ने क्या किया है? भजनलाल ने तो जो मन की प्रेम प्यार रही है, हाँ, मन 40 साल लग गया, 45 साल लग गया मंडी में आया, भजनलाल ने किया नाम तो। आपके बच्चे नहीं कहते कि जी पिताजी अब बहुत हो गया भजनलाल परिवार का, अब तो हमारे ना हमें रोजगार मिल रहे हैं ना कुछ काम? मुखिया की कह दिया नहीं तो बच्चा कौन किसका? अच्छा, बच्चे सुनते हैं? हाँ, बच्चे कहते नहीं कि यार ये तो हमारा अपना अधिकार है वोट का, आप हम पे क्यों थोप रहे हो? हमें कुछ ही कौन कर, मैं कहते हुए भजनलाल ने डालना तो भजनलाल ने डालेगा, क्यों कहते हैं बिस्टन डालना तो बिस्टन डालना है, हमने कोई पार्टी मतलब को नहीं है, हमने सिर्फ भजनलाल से मतलब। तो काम तो हुए नहीं यहाँ पे, आपको लगता है बात को नहीं? कुछ भी नहीं हो, वोट लेकिन देंगे, वोट बिस्टन देंगे, मतलब काम नहीं होते, अब की बार भी नहीं होंगे, दो साल फिर नहीं? कोई बात को नहीं, हमने भजनलाल ने वोट देना है, जो काम हो चाहे ना हो, बस बात एक ही है। तो लगता नहीं कि ये नुकसान करता है कहीं ना कहीं, लोगों के काम नहीं होते अगर इतनी रवायत लगा ली जाए? आप आपकी सोच हो गया, माई सोच है भजनलाल ने वोट देना है, वोट से कोई और चीज ना हो। आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर शोर से चुनाव लड़ने को चाहिए, लेकिन वाले बढ़तरी को नहीं मानते, 45 साल लग गया बढ़तर ने, भजनलाल तीन मरे 20 साल लग गया, 15-20 साल तो राज करी वो, हमारे पास कभी मोरी को नहीं, जो अभी कह दिया हाँ भी ठीक है तैयार है। तो परिवार ने ठीक किया बीजेपी ज्वाइन करके? किसने? कुलदीप बिश्नोई ने ठीक किया बीजेपी? कुलदीप का कौन, भजनलाल की बात कहूँ मैं? अच्छा, हाँ, वोट मिला नहीं, भजनलाल का थोड़ा मिलना ना रहना, कुलदीप ने मिलो चाहे भव्य ने मिलो चाहे रेणुका हो चाहे कोई हो चाहे, कल को भव्य की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनको भी वोट आपका परिवार करेगा? बस नाम तो भजनलाल का हो गया तो। अच्छा। ये नेहरू गांधी है, राहुल गांधी है, जवाहरलाल की स्थिति हो रही है, महात्मा गांधी के हिसाब से चलू हो रही है, गांधी परिवार में वही भजनलाल के परिवार में, बस आगे आगे देखी जा मरांग जी में सब बात। चलिए, ये भजनलाल के फैन है और इनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीदवार भजनलाल परिवार से हो, पार्टी कोई भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ भजनलाल परिवार को ही वोट करते हैं और उन्हीं को मतदान करते आएंगे, चाहे कुलदीप बिश्नोई आए, चाहे रेणुका आए, चाहे भव्य आए, यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि कल को भव्य की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, अगर वो चुनाव लड़ते हैं आने वाले 20-30 साल बाद तो उनको भी वोट हम करेंगे। एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं, और युवा उम्मीदवार खड़े हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, अभी तो ये कहा जाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने अभी पत्ते खोले नहीं है, इनेलो पार्टी में इनेलो कहीं अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो यूथ है वो किस तरफ है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गोयल है। राकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन जी। भव्य बिश्नोई को भाजपा ने अब चुनाव में उतारा है टिकट दे करके, आप लोगों को लगता है कि भव्य यहां से जीत करके विधायक बन पाएंगे? जीतने की बात तो ये है जी कि इसके मान लीजिए कि दादाजी के नाम से वोट मिल रहे हैं इनको, सवरेगे चौधरी भजनलाल जी के नाम से, बाकी अगर इनके पिताजी के नाम से अगर वोट की बात करें तो जीतना नहीं चाहिए। नहीं जी, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके सामने है जी हाल, ये हालत तो बहुत खराब है, बस इसी वजह से, मतलब कि आम आदमी दुखी है, काम कहीं नहीं हो पा रहा, अब कह रहे हैं कि 26 साल का बनवास खत्म होगा, वो 26 साल का बनवास इन्हीं के कारण तो था। मान लीजिए अगर ये जिस कभी भी कांग्रेस जीती तो उसको छोड़ के भाजपा में आ गए, भाजपा जीती तो छोड़ के कांग्रेस में चले गए, बनवास था तो इन्हीं की वजह से ना। कुलदीप ये कहते हैं कि अब सरकार में अगर आते हैं तो यहाँ के काम भी हो सकते हैं, हम तो विपक्ष में थे इसलिए हमारे काम नहीं होते। सर क्या विधायक के कोटे में, विधायक के कोटे से भी तो ग्रांट आती है, ये तो है नहीं कि आती नहीं है, कभी आई नहीं हो तो इनके कभी कोटे में ग्रांट आई नहीं आज तक। अच्छा, आप लोगों से कितनी बार मिले हैं कुलदीप बिश्नोई या भव्य की बात करूंगा? अपन कभी नहीं मिले जी। आपके एरिया में कितनी बार आए, आपके मोहल्ले में कितनी बार? अब इलेक्शन है तो आना पड़ रहा है। 3 साल में कितनी बार आए? 2019 में आए होंगे, 2019 के बाद में, अब 2022 में इलेक्शनों में आए जी। 3 साल बाद? हाँ जी। उसके बीच में नहीं आए? उसके बीच में तो पता ही नहीं जी कहाँ है, कौन है, क्या करते हैं। और ये आरोप भी लगाते हैं लोग कि कुलदीप बिश्नोई जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ते, गांव में नहीं आते, लोगों के बीच में नहीं जाते। आरोप नहीं जी, वो सत्य है। आरोप तो वो होता है कि मान लीजिए हमने कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ी हो, ये सत्य है। और आप यही मंडी के आसपास ही रहते हैं? मैं प्रॉपर मंडी आदमपुर से रहता हूँ। मंडी से ही है आप? मंडी में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई को आपने 3 साल में एक ही बार देखा? हाँ, आते नहीं है जी, कहना मतलब है कि अब इलेक्शन है, मजबूरी इनका आना, ठीक है, बाकी अब इलेक्शन होने के बाद 2024 में होंगे तभी आएंगे ये,
अभी मुश्किल से कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो जी इनके परिवार से ही रहे, मतलब सबरे की चौधरी भजनलाल जी को छोड़ के इनसे किसी से भी नहीं की जा सकती अब तो भी काम कभी होगा। किससे उम्मीद है? दो तीन पार्टियां और हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है। उम्मीद जी आदमपुर का अगर ये बनवास टूटे कोई और अगर किसी हाथ में कोई सत्ता जाए तो कोई हो जाए तो हो जाए, बाकी मुश्किल है जी। किसको आपने 19 में किसको वोट की थी? 19 में मैंने राजेश गोदारा जी को वोट दिया, एनएलडी पार्टी से। की बार एनएलडी पार्टी राजेश गोदारा इनेलो को ही देंगे तो वो तो 2-4-5 हजार वोटों में सिमट जाएंगे। वो चाहे बिल्कुल जीरो में समझ जाए पर उनकी फेस वैल्यू जो हमें वो जानते हैं फेस से, उनका ये नहीं है कि वो रोज हमारे आदमपुर में रोकल में रहते भी हैं, ठीक है, और वो हमें जानते भी है, वोट उसे दे देते तो हमें जानता और हमारा काम हो, ठीक है, उनसे हमारा काम क्यों अगर उम्मीद है तो वो काम भी निकालते हैं और काम होता भी है जी हमारा। चलिए तो ये आदमपुर के लोगों की आपने राय सुनी। आदमपुर ठीक बीच शहर की अगर मैं बात कर लूं, मेरे बिल्कुल सामने सिविल अस्पताल है और इधर बस स्टैंड है और ये आदमपुर का पार्क है जहां पर लोग सुबह शाम सैर करने आते हैं, यहां पर आके अपनी थकान मिटाते हैं। और अब यहां के लोगों की राय आपने सुनी, इसके बाद हम आपको और भी इलाकों में लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे हम आदमपुर के तमाम उन 57 गांवों को कवर करेंगे, वहां के लोगों की राय क्या है वो आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से क्या लोग कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार के साथ ही हैं या अब उनका मुंह कहीं टूटा है जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सिटी मंडी आदमपुर हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।